नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय करनाल के सेक्टर 13 में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये सीवरेज की सफाई के लिए इस समय पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं अधिकारी, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हर जगह पर आपको सीवरेज का ही गंदा पानी दिखेगा। अगर आप नीचे की तरफ देखें, ज़मीन की तरफ, तो जो भी पानी आपको ये दिख पा रहा है, ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ये सीवरेज का पानी है। और ये सीवरेज की सफाई को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी समय से लोग परेशान हैं, और उसके अलावा भी यहाँ पर ड्रेनेज लाइन जो डलनी थी उसके बारे में भी अभी तक सैंक्शन हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो भी यहाँ पर डलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पर लोग खासे परेशान हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि आखिर क्यों जो है इस तरीके से पॉश इलाके में रहने के बाद भी वो लोग जो है इस तरीके से परेशान हैं। सबसे पहले जो वीर विक्रम जी हैं, जो MC हैं यहाँ के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या दिक्कत आ रही है लोगों को यहाँ पर सीवरेज का जो है पानी वो तो हमें दिख रहा है, और क्या क्या दिक्कत? दर्पण जी, ये जो कालड़ा मार्केट पीछे वाला ये ब्लॉक है ना, ये पिछले 5 साल से यहाँ सीवरेज और ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी। तो इसके मद्देनज़र नगर निगम और हुड्डा वालों को अलग अलग रिमाइंडर देना पड़ता है, क्योंकि सीवरेज हुड्डा के अंडर है और ड्रेनेज नगर निगम के अंडर है। तो दोनों डिपार्टमेंटों से बड़ी मुश्किल से सीवरेज और ड्रेनेज की पाइपलाइन सेंक्शन करवाई थी, ताकि नई पाइपलाइन डल जाएगी और जो लोग यहाँ नरकीय जीवन जी रहे हैं उनका जीना ठीक हो जाएगा। तो 5 महीने पहले ये काम चालू हुआ था, 5 महीने पहले ये सीवरेज की लाइन तो हुड्डा ने डाल दी, उसके बाद इसको रिस्टोर करना था, रिस्टोरेशन नहीं हुआ। ये नगर निगम ने ये पानी की ड्रेनेज की पाइपलाइन डालनी है, वो भी पाइपलाइन नहीं डली। कभी एक्शन को कहते हैं, ME को कहते हैं, JEE को कहते हैं, आज ठेकेदार आया नहीं, ठेकेदार का ये प्रॉब्लम है। अगर अफसरों की ठेकेदार नहीं सुनते तो फ़ायदा क्या फिर आपको JEE और एक्शन आने का? और ये हालात, लोग यहाँ अब 100 लोग इकट्ठे हुए हैं, और कुछ ये जो शोरूम है, शोरूम के कोई कईयों के पानी लीक था, कईयों का सीवरेज, उनको 2 या 3 बार अल्टीमेटम दे दिया था जी। तो वो उन्होंने ठीक नहीं कराया, तो आज हुड्डा के अधिकारी आए हुए हैं, जिसका सीवरेज और पानी लीक है आज उसका कनेक्शन काट के जाएंगे। अच्छा। ताकि वो इसको या तो ठीक करा ले, नहीं तो उनका कनेक्शन कटेगा। और इन लोगों ने आज अल्टीमेटम दे दिया कि 2-3 दिन में अगर नगर निगम वाले ड्रेनेज या सड़क रिस्टोर का काम नहीं करते तो सभी लोग यहाँ धरने में बैठेंगे, और साथ मुझे बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनका नुमाइंदा हूँ, इन्होंने मुझे चुन के भेजा है, इनके लिए 24 घंटे में तैयार खड़ा हूँ। तो यहाँ पर भी सारा सीवरेज का ही ये पानी सारा पड़ा हुआ है, सारा सीवरेज और ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहा है। अब जब तक ये रिस्टोर नहीं होगा, ड्रेनेज की पाइपलाइन नहीं डलेगी, सीवरेज रिस्टोर नहीं होगा, ये सड़क बनेगी नहीं। अब बरसातों के दिनों में कभी कोई एक्टिवा गिर रही है, कभी कोई बच्ची गिर रही है, कभी कोई लड़का गिर रहा है, कोई पेरेंट्स गिर रहे हैं, तो बुरा हाल हुआ हुआ है। और 5 महीने से अधिकारियों को कह के थक गए कि ये सड़क रिस्टोरेशन करा दो। सड़क अधिकारियों से बात हुई है, बात एक बार नहीं 100 बार बात हो चुकी है, बस आज कराते हैं, कल कराते हैं, ठेकेदार नहीं आ रहा, ठेकेदार परसों आएगा, अभी टेंडर नहीं, अभी वो नहीं हुआ, दुनिया भर की परेशानियां, ये लोग बैठे हैं, अपनी परेशानी बता देंगे आपको सारे। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमन बात कर रहा हूँ मैं, 1395 नंबर है सेक्टर 13 पंचवटी। कब से आ रही है दिक्कत ये है? तो कई सालों से दिक्कत जी, जी, जी। बट अभी 5 महीने पहले 6 महीने पहले शुरू किया था काम विक्रम जी की, उससे बट सीवर का पाइप तो डल गया, वो कनेक्शन शुरू नहीं हुआ था, वो भी शायद कल या परसों हो चुका है। बट पानी का ब्लॉकेज इतना ज़्यादा है कि आना जाना मुश्किल है, इवन पास में 2 किलो ड्रेनेज की पाइपलाइन की वजह से दिक्कत आ रही है। ड्रेनेज और सीवर दोनों का ही है, ओवरफ्लो हो जाता है, और 24 घंटे यहाँ पानी रहता है, स्मेल रहती है, मच्छर रहती है। और मैं आपको क्या बताऊँ, दोनों कॉर्नर वाले मकान में एक एक डेथ भी हो चुकी है। जिस बंदे को सांस की प्रॉब्लम हो, इनको सांस की प्रॉब्लम दीजिए, इस मकान में रहते थे जी जी, ड्यू टू दिस ओनली उनकी डेथ हो चुकी है लास्ट ईयर। उधर माता जी थे, उनकी हो चुकी है। तो कब तक कंप्लेंट करते रहें? इतनी कंप्लेंट्स करी हैं, ट्वीट पर मैंने खुद कंप्लेंट की हुई है, CM ऑफिस, DC, नगर निगम, हुड्डा, सबको ट्वीट किया हुआ है, उसकी कॉपी चाहिए, मैं कॉपी भी दे सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी जी जी। बट ऑल इन वेन, कोई फ़ायदा नहीं है उसका जी जी। तो यहाँ पर आपको बता दें, तो ये जो जिस तरीके से अभी यहाँ पर सीवर की सफाई कर रहे हैं, तो सीवर के लिए क्या हुड्डा के अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं सफाई के लिए? पहले तो सफाई, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पाइपलाइन तो नगर पालिका के द्वारा डालना है जो, और ये जो है ये हुड्डा के अंदर ही आता है जो सीवर है, जो सीवर तो है ओवरफ्लो, इतनी देर से ओवरफ्लो है, तो ये भी क्या टाइम पर साफ नहीं होता है? क्योंकि जब पता है इतने सालों से प्रॉब्लम है। अभी तो रिसेंटली पाइप चेंज हुआ है, टोटल सीवर का टोटल पाइप वहाँ से लेके इधर तक चेंज हो गया है। तो अभी जो ओवरफ्लो हो रहा है वो पुराने वाला हो रहा है, पुराने वाला जो पुराना पाइप था वो हो रहा था। तो बट इसकी वजह से अब काम रुका हुआ है, टाइलें नहीं लगी है, रोड टूटी हुई है, वहाँ पानी ब्लॉक होता है। यहाँ कुछ और लोग भी हैं मौके पर, सर क्या नाम है? मैं विजय दिंगड़ा, 1382 से। ये प्रॉब्लम तो बहुत टाइम से है, ये जितने शोरूम बने हुए हैं इनका जो गंद निकलता सारा पानी वो यहीं इकट्ठा होता है। अच्छा। इसकी कोई निकासी नहीं है, जब इन्होंने एक नई पाइप डाली, अगले चालू नहीं करी,
इन्होंने सड़क को और भी गंदा कर दिया। डेली शाम को कोई ना कोई गिरा होता है, इतनी गंदी बदबू आती है। और आप ये देखो कि दुकान है, ये पिज़्ज़ा वाले हैं या ब्यूटी उत्तर ब्यूटिशियन है, उनको कहा है उनका खुला पानी शाम को छोड़ देंगे। ये ऐसे होगा कि जैसे फ्लड आ रहा है और पूरा मोहल्ला शाम को ऐसे समुंदर बना होता है, गंदे पानी का नाला, गंदा नाली होता है, कोई निकल नहीं सकता। ये आहिस्ता आहिस्ता सारे घरों में जाता है। हमारा घर यहाँ से मेरे 7-8 घर है तो वहाँ जाता है। इन दुकान वालों को जो हुड्डा से प्रॉब्लम है उनसे गए, लेकिन इन दुकानों का भी बहुत गंद जो है इसको घेरे हुए है। और जितनी बार हम इनके पास गए हैं MC के साहब पास, इसने हमारा सहयोग बहुत करा है, ये नहीं कि नहीं करा, 3-4 बार लाए हैं, आज भी ये हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन जब तक ये दुकान वाले ठीक नहीं करेंगे, आज मान लो ये कर भी दे, पानी फ्लड तो ऐसा आता रहेगा, अब ये टेम्परेरी निकासी हो जाएगी, समझ गए ना। तो इस करके इसका परमानेंट हल दुकानदारों को भी करना चाहिए, ताकि चाहे अपनी लाइन डलती है अपनी लाइन डलाए, बूटा को भी लाइन बंद कराएं। और वीर विक्रम जी के सहयोग के लिए हम बहुत आप लोगों ने भी कोई लिखती में शिकायत दी कि इतने सारे यहाँ शोरूम्स हैं और इनके साथ भी शिकायत है, इनको मिलते हैं रोज। मैं परसों पिज्जा गैलरी वालों को भी मिला, इन्होंने कहा मिलो, मिले हाथ पैर जोड़े कि ये आप यहाँ आने की जगह हमारे लिए छोड़ दो। जी जी, समझ गए। जितनी बार कोशिश हुई, जैसे कालर जी की थी, गए तो कालर जी ने 3-3.5 लाख रुपये लाके बना दिया, वहाँ से एक बूंद पानी की नहीं निकली। उनके पास भी हम जाते रहे, लेकिन इनके पास भी जाते हैं रोज। कल जब जैसे मार्केट में आए तो यहाँ खुला पानी चल रहा था, अब ये आप देखोगे जिनके जितने AC के पानी है वो उन्होंने रोड पे छोड़ दिए। या तो निकासी ऐसी हो गई एकदम पानी निकल जाए, उधर से वो निकासी बंद है, ऊपर से सारे ओवरफ्लो कर रहे हैं। अभी मैं इनसे बात कर रहा था, कहते हमारे 3 टैंकी हैं 3 पाइप हैं, 2-4 रात को चलती रहती है, जो ट्यूबवेल चल रहा है तो पानी तो आएगा, ओवरफ्लो होगा, तो ये सारे पानी ने बंद कर रखा है। बात करने की कोशिश करते हैं अजय शर्मा जी से। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोग परेशान हैं, हर जगह पर यही हाल है, यहाँ पर भी पॉश इलाके और यहाँ पर इस तरीके से गंदगी पड़ी हुई है। देखिए बिल्कुल मैं साफ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जितने भी 40-50 आदमी खड़े हैं कोई परेशान नहीं है, ना पार्षद साहब परेशान है, ना जितने भी समाज सेवी खड़े हैं, कोई परेशान नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो विभागीय अधिकारी वैसे ही घूमते फिरते रूटीन चेकिंग के लिए आ गए थे, हम इनका धन्यवाद करते हैं। और शाम को अगर ये समस्या दूर हो जाती है तो इनके वहाँ है ना दफ्तर में जाके प्रसाद चढ़ा के आएंगे हम लोग। जी, जी जी जी, मतलब इन्होंने इस सेक्टर को, पोस्ट सेक्टर को नरक बना के रख दिया है। मतलब पिछले 6 महीने से, वैसे तो ये समस्या कई साल से है, लेकिन पिछले 6 महीने से यहाँ से टाइलें उखाड़ दी गई हैं, यहाँ उससे पहले पाइप बिछाए गए थे तब गड्ढे छोड़ दिए गए थे, आगे सारी की सारी ये तकरीबन 300-400 मीटर लंबी है। कोई भी काम शुरू किया जाता पूरा नहीं किया, पूरा नहीं किया जाता, रोक कर दिया जाता, कचरा वहीं मलबा वहीं पड़ा रहता है, यहाँ के लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। हम तो ये ठीक कर देंगे ना, इनके घर पर जाके इनके दफ्तरों में जाके प्रसाद बांट के आएंगे। मतलब ये इन लोगों को मतलब वो एप्लीकेशन दे दो, ट्वीट कर दो या व्हाट्सएप कर दो, वो भाषा समझ में नहीं आती इन लोगों को, दंडवत प्रणाम कराएंगे इनको, वो भाषा इनको समझ में नहीं आती। मतलब किस हद तक ये तंग करना चाह रहे हैं जनता को, और वो भी एक CM सिटी में, स्मार्ट सिटी में ये हाल है, तो बहुत बुरी स्थिति है, दयनीय। तो यहाँ पर बता दें फिलहाल साफ सफाई जो है वो तो करने के लिए अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज जो सिस्टम है, यानी जो यहाँ पर सीवरेज है, उसकी सफाई के लिए तो फिलहाल मशीनरी को लाया गया है। लेकिन ये वक्त रहते क्यों नहीं इस चीज़ का ध्यान दिया जाता, जब लोग गंदगी के बीच रहने को मजबूर होते हैं और कई कई महीने सालों लगातार लोग ऐसे ही रह रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मक्खी हैं, मच्छर हैं, हर तरह की गंदगी। और आपको बता दें ये पॉश इलाका है, ये करनाल के पॉश इलाकों में आता है, जहाँ पर लोग उनके करोड़ों रुपए के घर हैं, आप देख सकते हैं जहाँ पर करोड़ों रुपए की कोठियाँ बनी हुई हैं, और उसी जगह के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि ये गंदगी का अंबार जो कि आपने तस्वीरों में देखा है। और आपसे अपील भी करना चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिलहाल लोग लगातार जो है यही प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें इससे पहले भी हम कई पॉश इलाके आपको दिखा चुके हैं जहाँ पर कोई भी काम होता है, अगर बता दें कि टाइल्स का काम होता है तो उसे पेंडिंग छोड़ दिया जाता है, उसकी वजह से वहाँ पर धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठी होनी शुरू होती है, फिर वहाँ पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वहाँ पर धीरे 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 फिर सीवरेज जो है वो फुल होने शुरू हो जाते हैं। और फिर जो है यही हालात अनेक इलाकों में भी हमने आपको पहले भी दिखाए हुए हैं, और बता रहे हैं कि अब इस सीवरेज का भी जो हाल है वो बदहाल है। और यहाँ पर ये सारा दूर दूर तक अगर आप देखें तो पहले भी ये काम जो है शुरू किया गया था, जहाँ पर टाइल्स का काम जो है लगाना भी बाकी था और वो भी काम जो है पूरा नहीं किया गया। देखिए जो टाइलिंग है वो यहाँ लगानी बाकी थी, और ये आगे तक देख लीजिए जहाँ तक वो सड़क जा रही है, ये आपको मैं पीछे तक दिखाना चाहूँगा, ये पीछे की तरफ जो सड़क जा रही है वहाँ तक ही ये टाइल का काम जो है वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे
सर, ये काम, ये टाइल्स वाला काम कितनी देर पहले शुरू किया गया था? ये टाइलिंग का काम कितना समय है? तो काफी ये 4-5 महीने से ये काम चालू है। पहले पाइपलाइन डली है, फिर उसका टाइलिंग होना था, बीच में कभी हो जाता है। 5 महीने लंबा काम तो नहीं है, टाइलिंग है ही नहीं। काम तो 15 दिन से ज्यादा ऊपर है नहीं, और उसको इतना टाइम लगाते फिर रहे हैं। यही तो परेशानी हो रही है। कभी बार बार नगर निगम में रिमाइंडर देना पड़ता है, कभी ठेकेदार नहीं काम करके राजी, कभी जई एक्सन को मौके पे आना चाहिए था, वो मौके पे आके राजी नहीं है। हालात देखो, यहाँ लोग कितने परेशान होते फिर रहे हैं। इस गंदगी में, इस पानी में क्या लोग रह सकते हैं? क्या जो हालात है बरसात के दिनों में, कई बार एक्टिवा कई बच्चियाँ गिर गई, कईयों को चोटें लग गई। तो मतलब इस चीज़ को ध्यान में, अधिकारियों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तो लोगों की सुले। तो ये अब आज के किस तरीके ये हुड्डा डिपार्टमेंट के मैंने बुलाए हुए हैं, क्योंकि सीवरेज उनके अंडर है, उसकी सफाई करवा रहा हूँ। ये ट्रैक्टर मंगा और जो पानी के लीकेज है, और प्लस जिनके सीवरेज और पानी ओवरफ्लो हो रहा है जी, जिस शोरूम के, उनके कनेक्शन काटने के लिए बुलाया, ताकि वो अपना ठीक। फिलहाल वो क्या कहने, क्या उनके कनेक्शन, उन्होंने अपने प्लम्बर बुला लिए ठीक कराने के लिए। यही परेशानी थी कि लोग भी साथ नहीं देते। अब ये शोरूम वालों की सारी गंदगी है, अब अगर वो अपनी लीकेज और वो अपना ठीक टाइम पे करा ले तो ये परेशानी भी ना हो। तो कुछ लोगों को भी अपना समझना चाहिए कि गंदगी ना फैलाएं। तो आपसे अपील है, इस वीडियो को शेयर करें, और आपने जिस तरीके से देखा, लगातार हम करनाल के अनेक इलाकों में पहले ही पहुंच कर आपको दिखाते हैं। लोगों के लगातार कॉल्स आते हैं कि हमारे इलाके में भी यही हालात हैं, कृपया आप ज़रूर दिखाएँ। और आप देख सकते हैं कि हम आपको करनाल के पौश इलाके की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सेक्टर 13 की, जहाँ पर जो लोग हैं ये सोचकर घर लेते हैं कि शायद हम अब एक अच्छा जीवन जो है वो जिएंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे, पौश तरीके से रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख पा रहे हैं तस्वीरें एक पौश इलाके की, जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालांकि फिलहाल हुड्डा के जो अधिकारी हैं वो पहुंचकर जो है फिलहाल सीवरेज की सफाई जो है जरूर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से जो अपना काम है वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। तो आपसे प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, फिर से जुड़ेंगे B24 के ऊपर। तब तक के लिए, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।